गाइस थोड़ा टिश्यू हो गया तो आज मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग गाय भैंसो, ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। हमारे चैनल पे वैसे ही कम व्यूज आते हैं और कम हो जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग उठ चुके हैं क्योंकि मेरी आंखें खुली है और मैं नहा भी चुका हूँ क्योंकि मेरे बाल गिले हैं। और आज कुछ स्पेशल है ना, आज कुछ देख, मैं कभी कभी ब्लॉग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तगड़ा कर लेता हूँ, तो अरे मतलब खुद को। सो गाइज, आज के ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा कुछ स्पेशल है। ये क्या है? सूजी के चीले, मतलब सूजी के पराठे, और दूसरी मेरी दाल और दो कप चाय, और इसको तो आप जानते ही हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कॉपी पेस्ट जा रहे हैं ऑफिस। आज हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है और मेरी ब्लड रिपोर्ट आएगी आईसीटी की, और आज एंटीटी इंजेक्शन लगेगा, टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, और कोविड की वैक्सीन के लिए मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरी डॉक्टर से आज पूछूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द डे। मोटू का मुझे वे प्रोटीन बनाना है इसके अंदर। जब मैंने मोटू को ये वाला बैग गिफ्ट किया था ना, आज से 2 साल पहले शायद, तो मोटू ने मेरे को बहुत गुस्सा किया था। नहीं चाहिए ऐसा, किसमें चाहिए होता है, मैं नहीं रखूंगा, और अब ऑफिस में डेली काम में आता है। क्या बड़ा गुस्सा नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये बटन खुले रहेंगे क्या शर्ट के? बंद करूँ इधर वाला? तो बाय, हैव अ गुड डे मोटू। अब मेरा टाइम है थोड़ी देर रेस्ट करने का, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद उठ के नहाएंगे वाएंगे, कुछ काम करेंगे, तब तक 15-20 मिनट रेस्ट। सो 11:30 बज रहे सुबह के, और मैं नहा चुकी हूँ और हॉस्पिटल जाना है। 1 बजे से 2 बजे तक की अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए आई हैव टू हरी। और खाना वाना भी जो सुना सुबह बना के गई है, बस मुझे रोटियाँ सेकनी है मेरे लिए। मोटू के लिए राजमा है, वो पैक करके ले चलूँगी। ही विल मीट मी डाउनस्टेयर्स, सो ही कैन ईट इन द कार। एंड आई एम वॉचिंग ए वेब सीरीज कॉल्ड वॉकिंग डेड, बहुत फेमस है द वॉकिंग डेड। जो चीज़ें सीखने लायक हैं उस वेब सीरीज से वो ये हैं। फर्स्ट, जो ईविल है, मतलब जो लोग एकदम ईविल होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। वो आपको अच्छा मुखौटा पहन के एक बार के लिए बता सकते हैं कि वो चेंज हो गए हैं, और इवन इफ़ दे ट्राई ट्रूली, वो अगर सही में कोशिश भी करें, बट उनका अंदर का जो है, मतलब जो उनका अंदर का सेल्फ है, जो उनकी आत्मा है, वो कभी नहीं बदल सकती। वेन एवर दे विल गेट अ चांस, दे विल अटैक एंड दे विल शो देयर ट्रू कलर्स एज दे आर। प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि हम रेगुलर लाइफ में अपनी लाइफ जी रहे हैं, लाइफ कट रही है, बहुत सारे वर्ड्स अपन यूज़ कर रहे हैं, चल रही है, कट रही है, बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो हमारे पास अभी है, जो हमारे पास हमारी फैमिली है, जो हमारे लव्ड वंस हैं जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ बिताया हुआ टाइम, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारा घर है, चाहे रेंट का ही क्यों ना हो, यू हैव टू बी हैप्पी विद दैट। हाँ, होप रखो कि आप आगे और भी बेटर अर्न करो, और भी बेटर आपकी लाइफ, बेटर बेटरमेंट के लिए कोशिश करो, लेकिन कभी शिकायत मत करो व्हाट यू डोंट हैव, बिकॉज जस्ट बी थैंकफुल, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल अगेन, एंड आज कोई मेकअप शेकअप कुछ नहीं है, और हम दोनों की ड्रेस का कलर मैच हो रहा है ये, और कपड़े मैंने कल वाले पहने, इनको मैंने समेट के अलग ही रख दिया था, क्योंकि कल भी हम हॉस्पिटल जा गए थे, आज भी हॉस्पिटल जाना है, तो कल कुछ बिगड़ा नहीं है इनका 3-4 घंटे में, अभी आने के बाद इनको वॉश कर लूंगी मैं। सो बस जा रहे हैं, मेरे इंजेक्शन वगैरह लगेगा जो मैं आपको बता चुकी हूँ। लड़के ने लेट कर दिया है, डेढ़ बज गए यार, तो ऑफिस अभी घर पे रखूंगा, जैसा पता नहीं कितने घंटे लग गया, 2 या 3 मेरे को अपना काम करके आना पड़ता है। अच्छा। फिर आज शाम को मेरे को वो भी तो लेना है, मैं लेक्चर भी देना है, तो उसे भी प्रिपरेशन करके आऊं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये चल रही है द वॉकिंग डेड, और ये रहा छोटू, बैठे बैठे भी ये सभी देख रहे हैं। अभी हम सफर कर रहे हैं तो भी कंट्रोल नहीं हो रहा इसको, और मैं भी साथ में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और ये रहा हमारा सफर। सो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, अब लगभग 1-2 घंटा लगेगा, और आज मेरे ऑफिस का टाइम थकाएगा छोटू। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे कोई सम्मेलन होता है ना, जहाँ पे फ्री में खाना मिल रहा होता है, वैसे हो रहा है शायद, यहाँ पे फ्री में इलाज हो रहा हो आज। पानी भी नहीं मिलता।
पूरी पार्किंग फिल है यहाँ तक कि जो ये स्पॉट है जहाँ पे हम गाड़ी लगाते हैं फ्री के लिए वो भी पूरा भरा हुआ है। बहुत कम है ना तेरे को कसम से देख के लगता है तू 80-90 किलो की होगी। जाएगा मेरा से नेगेटिव आई है तो लेकिन दूसरा इसका दूसरा मतलब ये है कि मेरे इंजेक्शन लगने वाला है मोटा लग गए हैं। अभी हम लोग घर जाने वाले हैं लेकिन उससे पहले हमको दवाइयाँ लेनी है। मैं दवाइयाँ लेना भूल गया था और नहीं लेनी। हाँ दवाइयाँ लेनी है ना। अच्छा सारी दवाइयाँ पड़ी दवाइयाँ नहीं लेनी है। अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और अच्छी बात ये है कि विवाह से बात की है कि जब डिलीवरी होगी तब उस वक्त वो होगी। उसके अलावा एक बहुत बुरी बात जो मैंने आज नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी पता है हॉस्पिटल में और जहाँ पे दवाइयाँ ले रहे थे ना लोग वहाँ पे लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ही नहीं कर रहे। भीड़ मतलब भीड़ खड़ी थी जैसे वो फ्री का कुछ मिलता है ना वहाँ पे लोग मरते हैं वैसे। है, भाई साहब दोनों साइड दो इंजेक्शन लगे हैं और मेरी हालत ऐसी हो रही है कि पूछो ही मत। तो फिर रहने दो कोई पूछ भी नहीं रहा। तो इतना दर्द हुआ है ना इतना दर्द हुआ है मतलब वो फीलिंग नहीं दी मुझे आज नर्स ने कि लोग इंजेक्शन से फोबिक क्यों होते हैं क्यों डर लगता है लोगों को। आज से मुझे भी लगेगा ओह माय गॉड गाड़ी हिल रही है मेरा दर्द हो रहा है। फाइनली अंकिता को अमरूद मिल गए है? वो तो अलग आते हैं जो पिछले अभी जो पर ये डाउटफुल है। हां वो ऐसे सलून ठीक है होंगे मीठे होंगे ये दूसरे हैं पक्का ये दूसरे हैं वो दूसरे थे मैं यही रहती हूं पीछे मैं आप याना वापस धर्म होएगा मेरी प्रेगनेंसी चल रही है अमरूद का दो अमरूद निकाल दो बढ़िया से। ये अंकिता हर जगह प्रेगनेंसी को एज अ तलवार यूज करती है। नहीं तो मैं बोल रही हूं अच्छे देना भाई खराब निकला मेरे मन से ऐसे होगा क्या क्यों लिया मैंने ये। सो अभी हम आए हैं रिलायंस फ्रेश एप्पल लेने के लिए क्योंकि यहाँ पे एप्पल सस्ते मिलते हैं और कुछ और भी सामान मिल गया तो अच्छा है मतलब क्या बुरा है। और कुछ सामान तो वैसे चाहिए नहीं सिर्फ ना मुझे फ्रूट्स ही देखने हैं। हाँ तो बस ठीक है। पे लिखा हुआ है सब्जी के सनम फलों का राजा मिलना है तो मनोला पता नहीं क्या कहाँ जा। लाइव सेशन है आज न्यूट्रिशन और डाइट पे और बाहर ऐसी बारिश आ रही है ना ऐसी बारिश आ रही है शानदार तगड़ी अंधेरा कर दिया है 6:15 बजे। शो यू बारिश और हमारे रूम में पानी आ जाता है यहाँ से खिड़की से इस गेट से आता है पानी आ चुका है अंदर यहाँ तो बारिश बहुत तगड़ी आ रही है यार अंदर आ रहा है खोलते ही पानी यहाँ से मैं शूट कर रही हूँ लेकिन ये ग्लास है और यहाँ से पानी बह रहा है ग्लास के थ्रू। गाइस बारिश बहुत तेज आ रही है शायद आपको मेरी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही होगी इस मोबाइल के अंदर और मैं जा रहा हूँ लाइव इवेंट लेने और जो कि लाइव भी होगा मतलब ऑफलाइन इवेंट है लेकिन वो लोगों कई लोगों के सामने होने वाला तो लाइव इवेंट है लाइव इवेंट लेने लाइव सेशन लेने। आज मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझाने वाला हूँ लोगों को। आई होप आप लोगों में से कुछ मेरा सेशन ऑनलाइन ज्वाइन करोगे लिंक के थ्रू जो हमने कुछ दिन पहले दिया था और अभी बारिश इतनी तेज आ रही कुछ दिख नहीं रहा। वाइपर की स्पीड देखो आप लोग कितना तेज चलाना पड़ रहा है मुझे केवल सड़क पे देखने के लिए और अभी मोबाइल के थ्रू तो दिख रहा है एक्चुअली काफी अच्छा दिख रहा है व्यू बाकी अगर नेकेड आई से देखे ना तो लिटरली कुछ नजर नहीं आएगा मतलब बहुत ही हल्का व्यू। और सबसे अच्छी बात है अभी बाइकर्स बाहर नहीं है बाकी ट्रैफिक में मैं और ज्यादा लेट हो जाता। मेरा लेक्चर था 6:30 बजे और अभी 5 मिनट है 5 मिनट में मेरे को पहुंचना है अगली जगह। आज पौधों ने जम के पानी पिया है अंदर तक भर गया है पर बारिश का पानी पौधों में बहुत अच्छा मतलब कलर ही अलग हो गया है प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है। पूरी बालकनी में पानी पानी है और अभी भी बारिश हो रही है मौसम इतना अच्छा हो गया ना मस्त एकदम। सो अब पानी लगाना है बाहर की तरफ ये देखो कितना पानी है दिख नहीं रहा वाइट है ना फ्लोर। नीचे से कॉल आया आंटी का मोटू की बाइक है ये यहाँ गिर गई है नीचे शिट यार कुछ टूटा ना हो पानी है वहाँ पे शायद पानी की वजह से हुआ है नीचे स्पेस बन गया वहाँ पे।
मोटू बाइक का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं कुछ नहीं है, बस पेट्रोल शायद थोड़ा लीक हुआ है, उसकी वजह हुआ ये बाइक ठीक है। पेट्रोल लीक कहाँ से हुआ? मतलब थोड़ा नीचे से कुछ फूटा तो नहीं? कुछ नहीं फूटा, एकदम सही है। पक्का? फिर ठीक है। बहुत ही वियर्ड सी बात है, मतलब अभी अंकिता बाथरूम में रो रही थी और भाभी रोते रोते बाहर आई, उसकी शक्ल दिखा दो, वो कौन सी द वॉकिंग डैड वो देख रही थी वेब सीरीज में, पता नहीं क्या हो गया, रो रही है और बाथरूम से रोते रोते है ये, यार कितना बोंदू बच्चा है। अरे बहुत इमोशनल सीन था, वो उसकी बच्ची नहीं होती रिक्की, छोटी बच्ची, छोटी वाली, वो सोचता है अभी मतलब दो तीन महीने से चार महीने से लग रहा है वो मर गई है, तो वो जिंदा होती है और वो उसका बेटा मतलब अपनी बेटी के बेटे के भाग के जाते हैं उसको, जैसे बच्ची को गोदी में लेते हैं, इतना इमोशनल सीन था पूरी सीरीज में, मैं पहली बार रोई। गाइस इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, कल फिर से मिलेंगे, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।